हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश में अध्ययन किया था अबाउट बेसिक इंग्लिश। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक की चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक की बातें हुई थी। तो आज हम बेसिक को वहां तक रिवीजन करने के बाद आगे चल रहे हैं। तो हम चूँकि ग्रामर के पोर्शन में चल रहे हैं और इंटर का सिलेबस जो है थोड़ा सा लंबा है, आपके पास टाइम कम है, तो कम टाइम में अच्छे से तैयार करना, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, इन फ्यूचर आपके काम में आने के लिए बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म स्ट्रांग चाहिए। तो इस स्ट्रांग प्लेटफॉर्म को हम स्टैंड करने के लिए सबसे पहले चलते हैं जो आपके ग्रामर हैं, जहाँ से आपके इंटर का सिलेबस स्टार्ट होता है ग्रामर का, वहाँ पे चलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो होता है डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन के जो होते हैं वो कितने भाग होते हैं भैया, हमने यहाँ लिख रखा है डायरेक्ट स्पीच के केवल दो भाग होते हैं। वो एक होता है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब सवाल उठता है कि वॉट इज रिपोर्टिंग वर्ब, वॉट इज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। समस्याएं बनती है ना हमारे सामने की रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो हम आपको श्योर्ड करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब हम किसे कहते हैं, जब वक्ता अपने कथन को किसी फिनिट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है, जब वक्ता अपने कथन को किसी फिनिट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सवाल बनता है रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है गाइस। रिपोर्टेड स्पीच भी बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब की तरह ही आसान है। जैसे आपने रिपोर्टिंग वर्ब को क्या क्लियर किया कि वक्ता अपने कथन को जिससे कहना, जिस फिनिट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है कि वक्ता के द्वारा फिनिट वर्ब से जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच को हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, नंबर एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर दो होता है रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन गाइस ये तो मैंने आपको डिफिनेशन बताया, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग बताया, लेकिन आपसे आपको परेशान करने के लिए, पजल करने के लिए आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो हम बता सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मान लीजिए आपसे कोई बात मैं कह रहा हूँ जो मेरे द्वारा कहा जाएगा, अगर वही शब्द आप किसी और को बताते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच की हिंदी क्या होती है गाइस, प्रत्यक्ष कथन। यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी को आप बिल्कुल हूबहू किसी और से कह देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, परोक्ष या अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट स्पीच और अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को अपने शब्दों में, अपने शब्दों में किसी और से कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि हम उसे मॉडिफाई करते हैं, उसे अपने शब्दों में बदलते हैं और उसके बाद बताते हैं किसी और से। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इसी बात को आप किसी और से कहेंगे तो आप अपने तरीके से कहेंगे। मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि ही सैड टू मी, मी उसके बाद आई एम अ गुड स्टूडेंट, ओके गाइस। अब आप देख लीजिए ऐसे सेंटेंस, जैसे हो गया कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे क्या कहा कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, एक अच्छा छात्र हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे सामने कहा है, जैसे उसने कहा यहाँ पे मैंने वैसे ही लिख दिया,
ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन अगर इसी डायरेक्ट स्पीच को मैं अपने शब्दों में व्यक्त करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसने मुझे बताया कि वह अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा छात्र था, अब हमने उसको बदल दिया, परिवर्तित किया। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, उसने जब कहा था तो प्रेजेंट में था, अब मैं बता रहा हूँ तो उसकी चीज़ें जो हैं वो क्या हो गई हैं, पास्ट में हो गई हैं। तो जब पास्ट की हम बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी को जब हम परिवर्तित करके अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे तो वही आपका क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अगर हम इसी को इनडायरेक्ट में बना के देखें तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। दैट किसके लिए लग रहा है भाई, इन्वर्टेड कामा को समाप्त करने के लिए। ही टोल्ड दैट, उसे ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे बताया कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, यहाँ आई भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो ही हो गया। अब चूंकि ये आपका थर्ड पर्सन है और ये टेंस आपका प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में बदलते हैं। पास्ट में बदलेंगे तो आई एम की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ही वाज अ गुड स्टूडेंट, ओके गाइज। तो अब आप क्लियर किए कि अगर कोई आपसे पूछता है डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों प्रकट करना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है या प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। और इनडायरेक्ट को बताएंगे तो क्या हो जाएगा, वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपकी बारी किसकी आती है भैया, डायरेक्ट नरेशन के भाग। अब डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं हम उसकी बात कर लेंगे। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, सिर्फ दो भाग होते हैं भैया, नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब और नंबर दो रिपोर्टेड स्पीच। गाइज whenever you have a suspicion that must be showed and it must be clear। तो हमने क्या बताया, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किससे कहते हैं, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ डिफिनेशन, द वर्ब विच इज इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। कह रहे हैं कि द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब वक्ता अपने कथन में इन्फिनिट वर्ब से जो कुछ भी कहना शुरू करता है वही क्या कहलाता है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाएगा वो आपका दूसरा वर्ड होगा, लेकिन जो कहना शुरू कर रहा हूँ आपसे वही क्या कहलाएगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया जाएगा। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया कि किसी वक्ता अपने कथन को किसी फिनिट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब आते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब छोड़ करके कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच पे। भैया रिपोर्टेड स्पीच किसे कहा जाता है, सस्पेशन बनता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो हो गया कि हम जिससे बात करना शुरू किए वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाता है, वक्ता के द्वारा फिनिट वर्ब से जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा फिनिट वर्ब से जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन इंग्लिश कह सकते हैं आप, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर्स विच इज रिटेन इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड क्या, रिपोर्टेड स्पीच। उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वह शब्द जो वक्ता के द्वारा कहा जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, वही आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब आते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पे। तो अगर हम इसको अलग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो हम लोग करते क्या है, इसे डिवाइड कर लीजिए दो भाग में। पहला तो आप लिख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब, हम रिपोर्टिंग वर्ब को आर वी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त कर देते हैं, आर वी से, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच को हम किससे व्यक्त करेंगे, आर एस से, आर एस और आर वी। आर वी का मतलब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और आर एस का मतलब हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे हो जाए, ही सैड, उसके बाद इसको हम कहाँ लिखते हैं, फिर लिख दें कि
आई विल टीच यू, ठीक है, या माई मदर सेड टू मी, उसके बाद क्या हो जाए कि यू आर केयरलेस, ठीक है। दो एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे ही सेड उसने कहा कि आई विल टीच यू, उसने क्या कहा कि आई विल टीच यू, उसने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसने यहां पे कहा ही सेड, उसने कहा इतना जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या आरवी कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर किसी चीजें हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब बाकी का हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है माई मदर सैड टू मी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा कि यू आर केयरलेस, तुम क्या हो, लापरवाह हो। तो तुम लापरवाह हो, ये माँ का पूरा कथन हो गया। जो कथन होता है वही क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जो कहना शुरू किया गया वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कहाँ लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच को कहाँ लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखते हैं। तो आई होप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी क्लियर, ये डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंसेस दैट हैज बीन क्वालिफाइड, दैट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू फाइव पार्ट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भाव के आधार पे पांच वाक्यों में पढ़ते हैं, पांच भागों में पढ़ते हैं, जिसे आपने शुरुआत से ही पढ़ा है। अगर आपको याद होगा तो आपको स्टार्टिंग में सेंटेंस पढ़ाया गया होगा गाइस, जो सेंटेंस में बताया गया टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वही पांच सेंटेंस आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ने होंगे। लेकिन वहाँ पर क्या था, हम उस डायरेक्ट सेंटेंस में जो पढ़ते थे उसको हम एक करके एक के बाद एक क्या करते थे, समझाने का काम करते थे, उसका डिफिनेशन पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर हमें डिफिनेशन नहीं, किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने भाव में बदलने का काम करना है। तो उन पांच सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इन बेसिक चीज़ों को जो आपके नरेशन में कंपलसरी हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से श्योर्ड कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर हम आप लोगों को ले चलेंगे आपके टॉपिक पर, जहाँ से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू होता है। मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस पांच प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दीज फाइव सेंटेंस मस्ट बी रिटेन, वी विल रीड इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अकॉर्डिंग टू दैट सेंस वी हैव टू थिंक ऑफ इट, हमें ये सोच के चलना है कि हमें पिछली चीज़ों को खुद से रिवाइज करना है, ताकि कल के क्लास में जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना शुरू करें तो आपको आसानी से समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसलिए आप पहले आप इन पांच सेंटेंसेस को रिपीट कर लीजिएगा। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। तो गाइज, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, आपके समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम आपसे कल अपने इसी क्लास में, टॉप 10 क्लासेस में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।